बड़ा बड़ा उद्योग तो लगा, लेकिन विस्थापितों का जो हक है वो हक नहीं मिल पाया। इसी को लेकर हम लोग आंदोलन किए थे, और आंदोलन करने का मकसद था कि आप लोगों को हक दिलाना, क्योंकि कई एक बार ऐसा हुआ कि लोग आंदोलन किए, मैनेजमेंट के द्वारा विस्थापितों को परेशान करने के लिए हमेशा केस मुकदमा या विस्थापितों को जेल भेजना या ट्रांसफर करना या पुराना ही लोगों का रवैया रहा कि भाई लोगों को तंग करो, कोई अधिकार मत दो, और अपना दमनकारी नीति से प्रशासन के लाठी के बल पर अपना कोयला निकालो और अपना चले जाओ, और यहाँ के लोग भूखे मरते रहे। यही रवैया रहा है। देश आजाद हुआ, लेकिन आज भी अंग्रेजी कानून जो हम लोगों के ऊपर लागू हो रहा है, उस कानून के विरोध में जो आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने जो मुझे साथ दिया, क्योंकि इससे पहले भी कई हमारे बीच में कई विस्थापित रहता हमारे पास है, कई बार आंदोलन किए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि जो इस आंदोलन को बड़ा रूप देने में जो आप लोगों ने सहयोग किया, इसका परिणाम भी हम लोगों को मिला। परिणाम आप लोगों को बहुत जल्द सामने दिखाई देगा। जो डीबीसी प्रबंधन के साथ जो हम लोगों का बैठक हुआ, वह लिखित रूप से जो मिनट बना, हमको लगता है आज और कल के अंदर में वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा आप विस्थापित नेता के माध्यम से। और कल का बैठक हम लोगों का है डीबीसी के साथ भी, जो यहाँ पर कल रहिएगा आप लोग भी। डीबीसी में बैठक है हम लोगों का, बीटीपीएस में जितने भी विस्थापित नेता है, और वहाँ के जो समस्या है जिसका समाधान हम लोगों का लिखित रूप से चिट्ठी भी आया, तो उसी तरह से एक एक करके हम लोग कठारा में भी, हम लोग सवांग में भी, और बीएनके में भी, ढोरी एरिया, जो तीनों एरिया में एक एक करके बैठेंगे, और जितने भी हमारे विस्थापित रहता है, जितने भी विस्थापित समस्या है, वह हर एक महीना एक बैठक होगा विस्थापित नेताओं के साथ, और जितना भी समस्या आएगा उन सारे लोगों के पास आएगा, विस्थापित नेता जो हमारे उनके पास आएगा, और मैनेजमेंट के साथ मिलकर उसका समाधान होगा, चाहे विकास का काम हो या विस्थापित जिनका जमीन का समस्या हो, जो विस्थापित नहीं हो पाए, उनको जगह नहीं मिल पाया, घर नहीं मिल पाया, पानी बिजली व्यवस्था नहीं मिल पाया, उन सारे समस्याओं का समाधान वहाँ उस मीटिंग के माध्यम से होगा। और सबसे बड़ा चीज है जो हम लोगों का ट्रिब्यूनल, जो एक कानून है, जो हम लोगों का अधिकार है, एक कोर्ट बैठता है जो विस्थापितों का समस्या का समाधान होता, जहाँ पर आखिर विस्थापित समस्या को लेकर जाएंगे कहाँ। आज तक कोई स्थान नहीं बना था, कोई जगह नहीं बना था जहाँ विस्थापित अपनी बात को रख सकता। मैनेजमेंट हमेशा विस्थापित को बात को इग्नोर करता था और इतना दौड़ाता था, लोग यहाँ से हेडक्वार्टर से कलकत्ता दौड़ते लोग परेशान हो जाते, लेकिन विस्थापितों को हक नहीं मिल पाता था। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा जीत है कि हम लोगों को ट्रिब्यूनल बना है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सबसे बड़ा, आज तक कोयला खदान, कोयला समाप्त हो जा रहा है, लेकिन आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बना, लेकिन हम लोगों का आंदोलन का सबसे बड़ा सफलता हम लोगों को मिला। कहने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा यूनियन के नेता लोग हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों का शोषण किया, आप कौन है इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग कभी ट्रिब्यूनल का बात नहीं किया, कि विस्थापितों का बात कभी नहीं किया, उनका ठेकेदारी कैसे चलेगा, उनका ट्रांसपोर्टिंग कैसे चलेगा, उनका कोयला का लूट और कोयला का चोरी कैसे चलेगा, वही सिर्फ उनको चिंता, विस्थापित का कोई चिंता।